वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजिएस्ट वे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन से इसके uh, पहले हम ई एम टी का एक पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड पार्ट फॉर ई एम टी एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये केवन है आपको द मैग्नेटिक फील्ड इन सम गोशन यूनिट्स इन एन एम टी स्पेस इज डिस्क्राइब बाई बी नॉट ई टू द पावर ए एक्स एंड साइन के वाई माइनस ओमेगा टी जेड कैप जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन जेड कैप डायरेक्शन जेड एक्सेस में है एंड इट इज आस्क दैट वॉट इज द वाई कॉम्पोनेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि वेव का प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में है सो फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड वी कैन चेक दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इन जेड कैप डायरेक्शन एंड के वाई माइनस ओमेगा टी सो प्रपोगेशन जो है के वैक्टर दैट इज इन के वाई कैप तो प्रोपोगेशन इसका वाई कैप डायरेक्शन में दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सकैब डायरेक्शन में रहेगी एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में रहेगी बिकॉज वी नो दैट ई वैक्टर इज परपेन्डिकुलर टू बी वैक्टर एंड बी वैक्टर इज परपेन्डिकुलर टू के वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो सिमिलरली ई वैक्टर परपेंडिकुलर टू के वैक्टर तो के वैक्टर वाई कैप में बी जेड कैप में तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स कैप में होगी तो यहाँ वाई कॉम्पोनेंट पूछा गया तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हो नहीं सकता क्योंकि बी एग्जैक्टली जेड कैब में है यदि किसी और डायरेक्शन में रहता यानी कैब या वाई कैप जेड कैब या जेड कैब और एक्स कैब के फॉर्मेट में तो फिर हम चेक करते यहाँ पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आंसर जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है ये जो क्वेश्चन है ये बोनस क्वेश्चन है जस्ट का बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था पी एपॉन पाई क्यूब में पूछा गया था तो बोनस कर दिया गया था लेकिन पी एपन पाइपर फोर से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर सो so, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है सर्कुलर मेटल लूप ऑफ रेडियस ए इक्वल्स टू तो वन मीटर स्पिज विद ए कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज ट्वेंटी पाई रेडियन पर सेकेंड सो so, गाइस जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग दिमाग में रखें कि यदि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यदि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है तो वहाँ पर ई एम एफ इंड्यूस होगा फेराडाइज लॉ से क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज की कोशिश करेगी जो भी कॉइल होगी या जो भी आपका मेटल लूप रहेगा उसमें करंट फ्लो होगी एक इंड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ओमेगा गिवन है आपको एंड इट इज गिवन टू यू द मैग्नेटिक फील्ड इज थ्री टेस्ला और यहाँ फिगर में गिवन है इन टू पेज मैग्नेटिक फील्ड है और ये रोटेशन इस तरीके से यहाँ पे इसका हो रहा है सर्कुलर मेटल लूप का सो देर विल बी ए करंट दैट विल बी द इंड्यूस्ड करंट एंड उसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस एफ जो है वो जनरेट होगा सो so, यहाँ पर देखिए अभी एक और चीज के द दस ऑफ द लूप इज आर लूपर है आपको और पी विद पावर डिसिपेटेड इन वन कम्पलीट साइकिल एक पूरे कम्पलीट साइकिल में कितनी पावर डिसिपेशन हो रहा है दैट इज पी तो पी हमें पता है किसके इक्वल होता है अपॉन वन है ई e हम निकाल सकते हैं ई इज माइनस टी फाइव बाई डी टी तो यहाँ पे सिर्फ हमें इसका मॉडुलस लेना है सो वी आर टेकिंग ओनली द E मॉट डी फाइव बाई डी टी अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक फाइ को लिख सकते हैं हम बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर है ना किसी भी क्लोज लूप से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो उसका एरिया किसी भी लूप से क्लोज लूप से तो जीरो हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी बी वैक्टर डॉट डी एस फैक्टर तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और जब ये इस डायरेक्शन में है तो इसका एरिया वैक्टर इधर होगा जेड कैब में यदि ये माइनस जेड कैब में मैग्नेटिक फील्ड है तो इन दोनों के बीच में पाई एंगल रहेगा है ना आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि एरिया वैक्टर कैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है नेक्स्ट जब ये मूव कर जाएगी तो अभी ये थोड़ा सा रोटेट होकर ऐसे घूम गई है रोटेशन हो रहा है ना इस डायरेक्शन में तो ये जो एक्सेस है और अभी जो एक्सेस है अभी एरिया वैक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो अभी जो पहले जो एरिया वैक्टर था वो इस डायरेक्शन में था मान लेते हैं और अभी इधर है तो इसमें ओमेगा टी का चेंज आ गया क्योंकि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इसका रोटेशन है तो टी टाइम जीरो पे यदि पाई का एंगल था तो अभी जो है घूम गया और उसके बीच में ओमेगा टी का डिफरेंस uh, आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वैक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है एरिया वैक्टर जो है वो इधर की तरफ होगा तो आप देख सकते हैं कि जो एंगल होगा वो नाइन्टी प्लस उमेगा टी रहेगा यहाँ पर तो हम देख सकते हैं बी डी एस एज कॉस नाइन्टी प्लस ओमेगा टी बिकॉज वी नो कि एंगल कितना होगा यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है एरिया वैक्टर जो बाहर था पहले पाइप पर वो भी ओमेगा टी से घूम गया है तो नाइन्टी और ओमेगा टी का वहाँ पर जो है वो डिफरेंस रहेगा तो नाइन्टी प्लस ओमेगा टी आपका आपका यहाँ पर एंगल रहेगा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है और एरिया वैक्टर जो यहाँ पर घूम चुका है या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले जो था वो पाई का एंगल था और अभी ओमेगा टी से यहाँ पे घूम चुका है सो सॉरी इट्स पाई माइनस ओमेगा टी 90 प्लस ओमेगा टी नहीं इट्स पाई माइनस ओमेगा टी कॉस वन एटी माइनस ओमेगा टी रहेगा तो यहाँ पर हमें सिर्फ एरिया वैक्टर लेना है एरिया कितना हो जाएगा इसके लिए पाई ए स्क्वायर क्योंकि इस कितना सर्कुलर लूप में घूम रहा है उसका एरिया हम लेते हैं और यहाँ से ये यह आपको देगा कॉस ओमेगा टी यार टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू ओनली क्योंकि हमें सिर्फ इसका स्क्वायर करना है तो बी पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी विल बी दाइव तो वैल्यू हेयर है।, है ना ओमेगा टी से घूम गया है ना तो पहले पाई का था तो पाई में से ओमेगा टी माइनस कर दो तो एरिया वैक्टर और इसके बीच में एंगल होगा वन एटी माइनस ओमेगा टी तो ये कॉस उमेगा टी आ गई फाइव की वैल्यू यहाँ से तो अभी हमें चाहिए डी फाइव बाई डी टी ई को करना है सो ई कैन बी रिटर्न एज डी फाइव बाई डी टी तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी अभी आपसे पावर पूछा गया दैट इज ई स्क्वायर अपॉन आर और पूरे कंप्लीट साइकिल में पूछा गया तो कंप्लीट साइकिल में आप देख जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो रहता है पूरे कंप्लीट साइकिल जीरो से टू पाई में वन बाई टू वैल्यू देता है तो इसका एवरेज आप यहाँ पर ले लेंगे सो इट्स बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर एन एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो ये वैल्यू वन बाई टू मिलेगी आपको यहाँ से एंड यहाँ से पी कितना मिल जाएगा आपको इट्स गोइंग टू बी बी स्क्वायर एंड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको वो थ्री टेस्ला गिवन है और हमें इसका स्क्वायर कर देना है यहाँ से सो इट्स बी स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर ए टू द पावर फोर उमेगा स्क्वायर इंटू वन बाई टू तो ये वैल्यू मिल चुकी है आपको यहाँ से पावर डिसिपेटेड की एंड डिवाइडेड बाई आर ऑल्सो सॉरी आर से डिवाइड भी आपको इसे करना है तो यहाँ से जो भी आप वैल्यूज पुट करेंगे बी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से थ्री टेस्ला तो बी को यहाँ पे पुट कर देते हैं हम थ्री टेस्ला तो थ्री का स्क्वायर इन टू स्क्वायर ए वन ही गिवन है वन मीटर एंड आर है टेन ओम एंड ओमेगा है ट्वेंटी पाई का स्क्वायर बस इसको सॉल्व करना है जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑर आंसर और यहाँ से देखिए पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर आपको मिल गया है तो नेक्स्ट स्टेप में आप पी अपॉन पाई टू द पार फोर को जो भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर इट्स नाइन इंटू ट्वेंटी इंटू टू ट्वेंटी पाई का स्क्वायर है पाई टू द पावर फोर चला गया इधर नाइन यहाँ से आ रहा है एंड यहाँ से ट्वेंटी और इंटू तो यहाँ से जो भी वैल्यू होगी वो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है आर की वैल्यू भी ओम में ही गिवन है आपको ओके टेन ओम में तो जो भी मतलब इसका आंसर हमें फाइंड uh, आउट करना है दैट वाज आस इन द क्वेश्चन एज पाई क्यूब इसलिए इसको अब बोनस क्वेश्चन दे दिया गया था पूनस मार्किंग थी इसमें बट ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए बहुत अच्छा है ये भी अ वायर विथ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लामदा पर यूनिट लेंथ कैरीज ई करंट आई एच ओन इन द फिगर यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है एंड टेक द परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू बी वन एप सैलन नॉट म्यू नॉट को वन लेना है सी एस आर नेट के क्वेश्चन में भी सी को वन लिया जाता है सी स्क्वायर जो होता है दैट इज ऑल्सो वन अपन म्यू नॉट अब साइलेंट नॉट तो इसको कई बार वन ले लेते हैं इसी रिलेशन से तो कई बार ऐसा हो कि आपका आंसर सी की टर्म्स में आ रहा हो एच कट की टर्म्स में आ रहा हो तो आप उसे डायरेक्टली वन ले लें सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज़ एट अ डिस्टेंस आर एंड एंड इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग इज प्रजेक्ट्री पैरल टू द वायर अब ये जो चार्ज पार्टिकल है क्यू आर डिस्टेंस पे ये वायर के पैरल ही वी विलोसिटी से मूव कर रहा है ठीक so, है सो वॉट इज द स्पीड ऑफ द चार्ज चार्ज की आपको स्पीड बतानी है सेम क्वेश्चन जो है सी एस आर नेट में भी पूछा गया ये जून जस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है सी एस आर नेट में पहले ही पूछ लिया गया फिफ्टीन या सिक्सटीन में ही तो वहीं से रिपीट हुआ है क्वेश्चन तो आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उसमें सी एस आर नेट के पीवाई की उस भी आप लोग जरूर से सॉल्व करें क्योंकि काफ़ी सेम पैटर्न रहता है दोनों एग्जाम्स का तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी डायरेक्शन भी किन है और मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज रहेगा क्योंकि फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे थम को करंट की डायरेक्शन में रख के तो बी वैक्टर इन टू द पेज यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा सो so, जो इलेक्ट्रिक uh, फील्ड होती है दैट इज गिवन अपॉन आर एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वायर की वजह से दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इन फाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से एक्जेक्टली exactly यही क्वेश्चन था उसमें भी यही पूछा गया था अभी यहाँ पर बोला गया है वॉट इज द स्पीड ऑफ द चार्ज अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटू द पेज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी इस डायरेक्शन में है ना लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है वो वायर के पैरेलल मूव कर रहा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है व्हाट डज इट मीन किस पे जो फोर्स है वो लग ही नहीं रहा है यानी जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये तीसरे डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है सो व्हाट वी कैन से कि जो टोटल फोर्स होगा यहाँ पर वो बैलेंस हो जाएगा लाइक मैग्नेटिक फोर्स विल बी बैलेंस बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू वी बी एंड इट्स टू क्यू ई क्यू कैंसिल हो गया यहाँ से एंड वी आपको मिल गया यहाँ से ई बाई बी ठीक है तो अभी ई e और बी की वैल्यू पुट कर देनी है सो वी इज इक्वल्स टू ई बाई बी एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं टू लामडा अपॉन फोर पाई इप्साइल नॉट आर एंड म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर अभी काम पहले ही कर लें इपसाइल नॉट म्यू नॉट को वन कर दें और पाई से पाई कैंसिल हो गया सब कैंसिल हो गया एंड यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी लामडा अपॉन आई सो याद रखिए कि वेलोसिटी जो रहती है ऐसे पार्टिकल्स के लिए लैम्डा अपॉन आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिजल्ट भी ध्यान में रखिए साइलेंट नॉट म्यू नॉट को हमने वन ले लिया है और बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है सो आई होप दस वन इज ऑल्सो क्लियर तो ई एम टी काफ़ी सिंपल आ रही है जिसके एग्जाम में आप लोग काफ़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए कंसीडर टू कॉन्सेंट्रेट स्फेरिकल मेटल शिल्स ऑफ रेडिया आर वन एंड आर टू फेयर आर टू इज ग्रेटर देन आर वन सो एट शो निस फिगर आपको जो है सिचुएशन ड्रॉ करनी होगी ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है आर वन रेडियस इनसाइड ग्राउंडेड कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं और इसमें से इनर शेल को ग्राउंड कर दिया गया है और आउटर शेल पर एक चार्ज क्यों दिया गया है सो वॉट इज द चार्ज ऑन द इनर शेल अब देखिए जब भी ये ग्राउंड से कनेक्टेड है इसका मतलब इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर ए विल बी जीरो यदि हम इसे ए बोले और इसे बी बोले तो ए का पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है देयर विल बी सम चार्ज क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल है तो अर्थ को चार्ज सप्लाई करेगी दैट इज़ क्यू ई तो वो चार्ज उस पर जो सप्लाइड होगा उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा जो कि इसके पोटेंशियल को जीरो करेगा सो so, जो आउटर चार्ज है क्यू इसके लिए इनर पॉइंट है ए इसके कॉन्सेंट्रिक या मेटल स्फेरिकल शेल्स हैं तो ये इक्वी तो पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करते हैं और इसके हर पॉइंट पे इनसाइड दैट मेटल जो आपका पोटेंशियल है वो कॉन्सटेंट रहता है एंड दट्स के क्यू अपॉन आर टू सेम एज द सर्फेस सरफेस पे जितना है उतना ही रहेगा प्लस के क्यू ई अपॉन आर वन दैट इज द इसकी जो चार्ज है क्यू ई जो अर्थ से सप्लाइड हो रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा तो इसको जीरो के इक्विट कर देते हैं यहाँ से सो आपका के कैंसिल हो गया क्यू ई आपको निकालना है सो इट्स माइनस क्यू आर वन अपॉन आर टू तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्क्रीन डिस्टेंस फिफ्टी सेंटीमीटर एंड स्लिट वर्थ है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर अथन माइक मिका शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिक्स एन ई गोज टू वन पॉइंट फाइव इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ ऑफ द बीम्स इफ देंट्रल ट्रिंस गेट्स शिफ्टेड बाईज पॉइंट टू तो जो शिफ्टिंग होती है दैट कैन बी गिवन एज अभी हम सेंट्रल फ्रिंज को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं है ना तो जब भी हम सेंट्रल फ्रिंज को शिफ्ट करेंगे देन एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो डेल्टा होगा पाथ डिफरेंस जो क्रिएट होता है डाटा गिवन एक्स डी अपॉन डी, जहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये दो स्लट्स हैं यहाँ से बीम्स आ रही थी सेंट्रल फ्रिंज यहाँ मिल रही थी आपको अभी यहाँ पे एक शीट लगा दी है तो इस तरीके से एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा और सेंट्रल फ्रिंज जो है वो शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे या फिर नीचे किसी पॉइंट पे तो ये जो एक्स होता है ना इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ये स्लट फिट होती है डी और ये होता है कैपिटल डी तो जो डेल्टा पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज गिवन इज डी साइन थीटा और साइन थीटा को यहाँ से हम एक्स अपॉन डी लिख सकते हैं यही थीटा रहता है यहाँ पर है ना आप देख सकते हैं ये यह वाला यहाँ से जो वैल्यू मिलती है आपको पार्ट डिफरेंस जो मिलता है इसके बीच में ये थीटा रहता है तो यहाँ से इसे डी बाई डी की फॉर्म में लिखा जा सकता है ठीक है तो ये तो हम डेल्टा का फार्मूला डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है ये हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं हन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पूरी क्रैश कोर्स है ऑप्टिक्स पे जहाँ पर हमने जेस्ट गेट और सी एस आर नेट के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रखे हैं ऑप्टिक्स के वहाँ हमने ये क्वेश्चन किया भी था तो आप लोग उस प्ले लिस्ट को भी देख लीजिएगा मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी डिटेल का क्रैश डिटेल क्रैश कोर्स था ऑप्टिक्स पे आप लोग उसे ज़रूर से देखिएगा सो so, डेल्टा यहाँ पे एक्स टी अपॉन डी है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं अरे जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा अभी इसकी थिकनेस मान लेते हैं टी है तो यहाँ से जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है ना किसी भी स्लैब uh, को रखने पर जिसकी थिकनेस टी हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज केवन टी इंटू म्यू माइनस वन तो यहाँ से ये यह हो गया टी इंटू म्यू माइनस वन और इक्वल हो गया एक्स टी अपॉन डी के अभी आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है नहीं टी थिकनेस कितनी होनी चाहिए व्हाट इज़ थिकनेस ऑफ द शीट टी की वैल्यू निकालनी है देन टी कैन बी गिवन एज एक्स डी अपॉन डी इंटू म्यू माइनस वन तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे शिफ्टिंग दे रखी पॉइंट टू एंड इन डी की वैल्यू होगी यहाँ पर जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई फिफ्टी इंटू वन पॉइंट फाइव माइनस वन तो एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा सिर्फ एक सेंटीमीटर बचेगा यहाँ पर तो हम इसे सॉल्व करेंगे देन तो यहाँ से आपको एट हंड्रेड माइक्रोमीटर में आपका आंसर मिल जाएगा अब यहाँ पर ये यह जीरो पॉइंट टू मीटर सेंटीमीटर जो है वो आपको जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया तो एक बार ऑफिशियल से आप लोग चेक कर लेना कि यहाँ पर क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको एट माइक्रोमीटर या फिर एट हंड्रेड माइक्रोमीटर यदि ये सेंटीमीटर में है तो एट हंड्रेड माइक्रोमीटर आंसर मिलेगा और इसकी वैल्यू यदि चेंज हो जाती है तो फिर आंसर जो है वो चेंज हो जाएंगे सो so, ये जस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन के ए एम टी के सारे क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं नेक्स्ट सेशन में हम जस्ट ट्वेंटी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे थैंक यू एवरी वन एंड गाइज आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करेगा चैनल को एंड शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी सारे सोल्यूशंस जस्ट की प्ले लिस्ट में और भी पीवा क्यूज अवेलेबल है थर्मोस्टेट क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो आप लोग जल्दी हम क्वांटम मैकेनिक्स के भी सारे सॉल्यूशंस जो है वो सॉल्व करेंगे डिटेल में तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करेगा चैनल को एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल थैंक यू सो मच